25 रोज पहले एक महिला अपने बच्ची को लेकर के हमारे पास में आई है। महिला का उम्र करीब 45 साल होगा। उसका बच्ची का केस हम टेकिंग करने के बाद उसको मेडिसिन दे देने के बाद बोलता, डॉक्टर साहब ऐसे तो बंगाली है, हम तो थोड़ा सा ट्रांसलेट करें, थोड़ा भूल हो सकता है, किंतु उसी को बात को हम हूबहू कोशिश करते हैं आपके पास पहुंचाने की, जो आपको पकड़ में अच्छा है। तो बता रही है कि हम भी अपना दवाई लेंगे। हंसते हुए, हमेशा हंसते हुए जो भी बात कर रही है हंसते हुए कर रही है। हंसे क्या बोल रही है? बोल रही है कि डॉक्टर साहब हम भी सोचे हमारी लड़की को दिखाना था, लड़की को ये प्रॉब्लम बता करने के बाद में अपना बताने, हम भी सोचे हम भी ले लें। मतलब अच्छी बात है क्यों इस? नहीं नहीं, मतलब क्या नहीं 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 नहीं, नहीं इस। तो ठीक है, बताइए आप क्या बात है। बोला देखिए हमको तो कमर में चोट लग गया था, वो बहुत दिन दवाई ववाई खाए, ऐसे ही बोल रहे जैसे वो मैं बता रहा हूँ ठीक उसी तरह का बता रही थी। तो मुझे कमर में दर्द हो, मतलब हो गिर गए थे तो चोट लग गया था, तो मैं दवाई एलोपैथी खाए और सब ठीक हो गया। अब ठीक है, बहुत दिन हो गया दवाई वाई खाए भी ठीक, फिर भी बेल थोड़ा सा लगा है मतलब। और बोले कितना दिन दवाई खाए, इतना दवाई खाए तो आप तो जानते हैं, इतना दिन औरत लोग जानते हैं जब ठीक हो जाने से क्या दवाई खाना है, दवाई खाने का मन करता है क्या? मतलब और हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते बीच में। तो हमने और बोला नहीं हमको ना, देखिए मेरे सर तो यही बात है जो ऐसे तो मैं ठीक हूँ, काम काज में ही रहता हूँ, काज काम करता हूँ, सब कुछ काम काज करता हूँ। जितना बात बोल रही है पूरा हंसते हुए और पूरा एकदम मैंने खुश मिजाज में बोल रही है। तो हमारा कमर का दर्द, पैर का दर्द, पैर थोड़ा फूल गया है, तो ये पैर पहले नहीं फूला था किंतु उतना फूला हुआ नहीं था, तो किंतु हम काम सब कुछ ठीक ठाक ही कर रहे थे। तो हम बोले ठीक है, बताइए और पूरा बताइए। बोले नहीं यही, हम तो आंगनबाड़ी में भी काम करते हैं, काम करना पड़ता है, काम करते हैं, तो इस सब कुछ में पार्टी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं, बैठे नहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। हम बोले अपने बोलते जा रही है, हम लोग काम है सुनने का, हम लोग सुनते जा रहे हैं। हम बोले पूरा हंस मजाक। तो हमने बताया और जी और बताइए। तो हमने यही सब है, और क्या है? तो ये सर डॉक्टर साहब यही शरीर देखिए, तो कमर का दर्द तो ठीक ठाक हो गए हैं डॉक्टर, क्या जाना आप तो जानते ही है ना, अब जाना चाहता है कोई क्या? बोले इतना दिन दवाई के आप तो जाना चाहिए ना, ठीक है। बोले और हम लोग पूरा आप मस्त में है? बोले हाँ हम उसमें मिजाज में रहता हूँ, उस मिजाज में रहता हूँ, आप चिंता नहीं करते? नहीं चिंता क्या करना है, ठीक हूँ। तो बीमारी उमारी के बारे में, बीमारी उमारी के बारे में तो ठीक काम में रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, तो हमने इतना बड़ा रोग आपका कमर गिर गए, चेहरा भारी हो गया, पैर फूल गया, आप उसके बारे में कुछ? नहीं डॉक्टर ठीक है, तो अभी तो ठीक है और कमर दर्द है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, हमने डॉक्टर के पास भी नहीं गए। अरे आप जानते हैं तो ठीक हो जाता है तो कैसे जाया जाता है। हम बोले तो आप क्या सोचते? बोले नहीं सोचना क्या है, तो हम बोले तो फिर हमारे पास क्यों आ गए? बोलते डॉक्टर साहब लड़की को दिखाने के लिए आए, हंसते हुए सब सारी कहानी हंसते हुए बोल रही है। तो हमने लड़की को तब सोचे थोड़ा हम भी दवाई ले लें, ऐसे तो आप हमारे घर के सामने से जाते रहते हैं किंतु हम नहीं, हम लड़की आई तो हम बोले चलो हम भी लड़की, हम लड़की के लिए इतना चिंता? हाँ डॉक्टर साहब लड़की के लिए तो चिंता करना ही पड़ेगा ना, घर का परिवार का आदमी यदि बीमार पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, अपना मौज मस्ती में थोड़ा कमी आ जाती है। मतलब वाह ये भी सोचते हैं, हाँ ये तो सोचना ही पड़ता है, तो अपना लिए नहीं, अपना लिए ठीक है सब डॉक्टर साहब। तो बोले दवाई लेना इतना जरूरी है क्या?
अपने दवाई तो देखिए हम तो दवाई तो इतना लेते हैं माने लेते हैं, तो लड़की जब आई तो हम सोचे ले लेते हैं, हम ले दोबारा फिर लेंगे। हंस रही है तो, और उसके बारे में तो हमने उससे पूछा, और जे आपको कोई इसके बारे में टोकता उकता है तो नहीं नहीं टोकता उकता क्या, काम में रहते हैं व्यस्त रहते हैं, आंगनबाड़ी का थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स में भी जब तक व्यस्त ही रहते हैं सब समय तो व्यस्त ही रहते हैं, तो हम ना ध्यान तो लड़की आई इसलिए आए और उसके बारे में कुछ बताइए। बोलते हैं और पूछिए क्या बताना है बताइए। हम तो हम आप इतना हंस रहे हैं क्यों, नहीं हंसेंगे तो क्या करें, हम तो हमेशा हंसते ही रहते हैं, खुश मिजाज में रहते हैं, काम काज में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और हमने उसका लड़की का लिए आप चिंता, हाँ लड़की के लिए तो चिंता करना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब, लड़के लिए तो चिंता करना ही पड़ेगा, वाह अपने लिए नहीं चिंता करना। तो इतना कहानी उसने बताया, बताने के बाद में हम भी कुछ देर के लिए थोड़ा सा सोचने लगे कि भाई ये किस टाइप का पेशेंट है। तो इसलिए एक केस में हम लोग को पहले केस यदि कोई आता है तो उसमें कम से कम हमें लोग को आधा घंटा समय मिनिमम तो देना ही चाहिए जिससे अच्छा से ऑब्जर्व कर सके और अच्छा से, क्योंकि उसका जो माने ऑब्जर्वेशन पार्ट जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है, वो जस्ट मिरर की तरह है हम लोगों के सामने, वो मिरर है उसको हम गलत, हम जो देखेंगे दैट इज फाइनल देखेंगे, वो भले कितना भी झूठ बजाए कितना भी कुछ करे हम उसको फाइनल देखेंगे। तो आप देखिए इन इतना सारी कहानी बताई है उस औरत ने, तो इसमें आप को एक एक आदमी के एक एक ढंग से अपना अपना समझ में आएगा, वो बात तो सही है, किंतु हमने जो समझा उस हिसाब से दवाई दिए और दवाई देने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो पहली बार मैंने इस दवाई को यूज भी किया था माइंड थेरेपी के माध्यम से, तो आप लोग बताइए इसमें क्या क्या रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। सर मुझे तो ये हैप्पी स्मेल लग रही है जिस हिसाब से आपने बताया ना, पहले तो बेलाडोना का फील आ रहा था कि वेल्थ लग रही हो जैसे उसकी, फिर वो कैल्केरिया लगा, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि भाई लोग बोलते हैं तो कुछ बुरा लगता है, तो बोले लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे ऐसा वो बोली, यानी वो कैल्केरिया भी हट गया यहाँ से। और दूसरा उसने जिस हिसाब से हंस हंस के बोल रही है, तो ये सर मिर्स हिलैरिटी वाला एक रूब्रिक है जो एपी स्मेल में है। उसने कहा ना सूजन भी है लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करती, घर में बिजी रहना बिजी जो बता रही है, तो वो एब्जॉर्ब इन बिजनेस अफेयर ऐसा कुछ करके रूब्रिक है, तो मतलब ज्यादा रूब्रिक तो याद जी सर वो भी है, और भी एंजाइटी मतलब बिजनेस में भी ऐसा एब्जॉर्शन वाला रूब्रिक है कुछ ऐसा है। तो ये जो आपने हंसने का जो बताया ना टोन, वो इतना हंस रही है, इतना मतलब चीयरफुल और इतना जोर जोर से हंस रही है, हर बात पे हंस रही है, शुरू से आखिर तक हंसी रही है, तो वो सर एपिस की तरफ ही लेके गया। ठीक है मैडम आपका एपिस तो ठीक है, ये तो एक्चुअली हम लोग हमेशा मेडिसिन को हम लोग एक जर्निंग के माध्यम से हम लोग पकड़ सकते हैं, एक मेडिसिन एक ऑब्जर्वेशन पार्ट तो एक है, दूसरा पार्ट ये है कि हम जर्निंग के माध्यम से पकड़ने में कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो हम इसमें रूब्रिक क्या क्या लेंगे। आपका मेडिसिन हमारा हिसाब से तो सही है किंतु आप रूब्रिक क्या लेंगे। अच्छा तो देखिए मैडम मैं इस केस को थोड़ा सा, और भी कोई कुछ बोलेंगे क्या, देखिए मैडम मैंने जो रूब्रिक लिए थे उसको हम बता रहे हैं। देखिए लाफिंग सीरियस मैटर ओवर हैं, वो एक औरत का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमर में बेल्ट लगा हुआ है, पैर फूला हुआ है, फिर भी वो अपने आप को वेल समझ रही है, ठीक समझ रही है, और दवाई लेने का भी इच्छा नहीं है, दवाई लेने के लिए आ गई। तो हमने उस उस उस
पेशेंट के संबंध में, ऐसे मैं भी समझ गया था कि उसको एपीज का ही पेशेंट है, किंतु मैंने जब उसको एनालिसिस किए, माने इसको एनालिसिस करके जब रूब्रिक लिए थे, तो मैंने लिए थे, ऐसे हम लिए थे, वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सी लाफिंग सीरियस मैटर आवर फिबुलस और अनकॉन्सियसनेस इंटरप्शन फ्रॉम, उसको हमारा रेडर में दिया गया है इस तरह से, सीकिंग अल्टरनेटिव विथ अनकॉन्सियसनेस, एंग्जाइटी एब्जॉर्ब फैमिली मैटर अबाउट डिल्यूशन इन लार्ज और इकेस्टेस्टी, ये मेडिसिन ये रूब्रिक हमने पकड़े थे। ऐसे पकड़ने के लिए तो मैं और बहुत सारे पकड़ सकता था, क्योंकि इन रूब्रिक को पकड़ कर मेरा बेलोडोना एपीज आया था। तो देखिए उसमें जो जो मैटर हम जो लिए थे उसका हम एनालिसिस करके बताते हैं। उसने पहले ही बोला, ऐसे हंसते हुए बोल रहा है, ये सब सारी बात को बोल रहा है, किंतु वो अनुमान हम उसको बोले भी थे कि इतना सारी प्रॉब्लम है, आप उसको ध्यान नहीं देते, सब हंस करके उड़ा दे रहा है, उसको सीरियस नहीं ले रहा। तो हम इसीलिए लिए थे लाफिंग सीरियस मैटर अबाउट आवर वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक फ्रिवोलस लिए थे। और उसने बोला था, हमने बोले तो फिर क्यों आप आना हुआ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। हमने बोले फिर आप क्यों आए जब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते लड़की आई हम इसीलिए इसके साथ आए तो सोचे दवाई ले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकिंग अल्टरनेट विद अनकॉन्शियस। और एक जो रूब्रिक है हम लोग के पास में, ये सीकिंग अल्टरनेट, सीकिंग अनकॉन्शियसनेस अंडर स्क्रीमिंग बोल के जो बेलोडोना के साथ में जो रूब्रिक है उसको भी, तो ये रूब्रिक लिए एब्जॉर्ब फैमिली मैटर अबाउट और देखिए और बात बोल रहे थे, ये फूला हुआ जो था वो जो बता रहा था फूला हुआ, वो पैर का फूला हुआ, वो फूला हुआ बोला तो सब थोड़ा सा फूल गया है, तो पहले से थोड़ा ज्यादा ही फूल गया, पहले से कुछ ज्यादा ही फूल गया, तो हमने डिल्यूशन इन लार्ज लगा दिए। तो इस तरह से हम जब देखे तो उसको एपीज का पेशेंट, एपीज हमको आया, एपीज आया, एपीज मैंने दिए और देने के बाद फैंटास्टिक रिजल्ट आया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कभी कल्पना कर सका, इतना सुंदर उसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने इस केस को सोल्व किया। अब बताइए इसमें कोई कुछ इंक्वायरी हो या कुछ जानना हो तो बताइए। रूब्रिक को फिर रिपीट किया जाए था, इंपल्सिव क्यों नहीं लिया, जो वो अपनी दवाई लेने और उसने अचानक फैसला किया कि मैं भी दवाई ले लेती हूँ, तो ये इंपल्सिव हुआ ना, इंपल्सिव सर ये पूछ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंपल्सिव क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि वो अचानक से उसने अपनी दवाई ली ना, तो आपको आपने इंपल्सिव क्यों नहीं लिया। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी सर यहाँ पे कि सर ने ये बात बहुत अच्छे से बता दी कि वो ये कह रही थी कि नहीं वैसे तो सब सही है, चल रहा है सब, लेकिन बेटी दवाई लेने आई तो मैंने सोचा अपनी भी ले लूँ। तो ये जो सर ने रूब्रिक बताया कि श्रीकिंग बेलाडोना में भी आता है सर, जो आपने अभी रूब्रिक बोला मेरे दिमाग से उतर गया। जी अच्छा, अगर यहाँ बेलाडोना होती ना सर, तो जैसे आपने पूछा था ना कि भाई आपको दवाई लेने की क्या जरूरत है, तो बच्चों की केयर करने की क्या जरूरत है, बच्चों की चिंता होती है, वो क्या बोली, नहीं नहीं सर बच्चों की चिंता, घर में कोई बीमार हो जाए तो चिंता तो होती है, ऐसा बेलाडोना के अंदर नहीं आता, इसलिए ये बेलाडोना से अलग हुआ। अदरवाइज सर ये बेलाडोना की तरफ ही लग रहा था केस, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक दोनों में कॉमन आ रहे हैं, फ्रिवोलस भी था और तो यहाँ, और फिर वो जिस हिसाब से आपने हंसना बताया ना, वो सर हमने हंसना उसका मिर्थ हिलैरिटी वाला हंसना सोच करके, जैसे आपने लाफिंग ऑन सीरियस मैटर लिया क्योंकि आपने पेशेंट देखा है, तो वो किस हिसाब से लाफ कर रही थी वो वी डोंट नो, लेकिन मुझे वो मिर्थ हिलैरिटी लगा कि आदमी इतनी तकलीफ में है और फिर भी इतना हंस रहा है, इस कदर हंस रहा है, दैट इज मे बी, उस हिसाब से मैंने आपको एपिस बोला था सर। अच्छा मैम, हायोस का भी लाफिंग
एक्सटेसी जो आपने सर लिया है उसको जरा काइंडली थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये किस तरह है सर? देखिए क्या एक्सटेसी, हाँ हम लोग ये सब रूपी थोड़ा कम लेते हैं, किंतु तो मैंने उस दिन उसको सोच कर देखे जो हमको इसको बारे में पढ़े थे कुछ दिन पहले, एक्सटेसी हम लोग कम लेते हैं, तो उसमें इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ स्टेट वेरी ग्रेट हैप्पीनेस। एक्सटेसी का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ स्टेट वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, माने एक स्टेट है उस आदमी का, उस आदमी का एक ऐसा स्टेट है वो अपने आप को समझे या बुझे या जो भी करो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को बैलेंस करके रखा है जो बहुत खुशी का माहौल से खुशी में है, बहुत उस स्टेज में है। देखिए ना जैसे कि वो बैठा है, वो जिस तरह से बोल रही है, वो सीरियस हो या जो हो, किंतु तो अपने आप को बहुत ही आनंदित हैप्पी, हैप्पी में ही लोग हंसता है ना, लाफिंग तो उसी में करता है जब हंसते हैं लोग, तभी हंसी आ जाती है। तो इस तरह से वो अपने इस तरह से, ऐसे तो देखिए इतना हम जब हम 3, 5, 7 के रूब्रिक में लेते हैं, इसी आधार पर लेते हैं, कम से कम 3 रूब्रिक लेते हैं, 5, 7 इसे, क्योंकि उसके बाद मैंने और बहुत कुछ जोड़ रहा, जैसे कि ऑक्यूपेशन ML, वो जब कामकाज में रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, डॉक्टर साहब तो और कोई ख्याल नहीं आता है, वगैरह वगैरह सब बोली थी, बहुत सारी बातें बोली थी है, तो ये सब बात है। और मैंने हमेशा मैं कामकाज करता हूँ, वो लोग के साथ में रहता हूँ वगैरह वगैरह सब, तो एक्चुअली एपीज का जो पेशेंट होता है ना वो हमेशा मस्त मौलाना बेलोडोना की तरह ही होता है, वो मस्त मौलाना बेलोडोना की तरह ही होता है, और वो सबका भलाई करने के लिए रहता है। जैसे कि बेलोडोना होता है, बेलोडोना और एपीज में अंतर यहाँ में हम थोड़ा सा फर्क करके सीमा मैडम भी बताइए, तो ऐसी बेलोडोना होता है क्या? देखिए उसको तो अंडरग्राउंड से मैं जहां तक समझाया हूँ, बेलोडोना सभी लाइन में सब एक्सपर्ट होता है, किंतु वो फियर ऑफ अरेस्ट, माने उसको ऐसा कोई रोग ना हो जिससे वो अपने आप को उस काम में जाने से रोके, ऐसा कि वो किसी के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं लेता, बोर माने नहीं लेता है, किसी का हेडेक नहीं लेता, जबकि एपीज क्या था, दूसरों को चिंता को अपने ऊपर ले लेता है और अपने बारे में चिंता नहीं करता है। ठीक है, जैसे इसमें और भी बहुत बड़ा एक रूब्रिक है, माने जैसे कि डॉक्टर को जरूरत नहीं है, डॉक्टर को हमको जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर जी जाइए, ऐसा भी बात बोलते हैं ये लोग है, तो ये पूरा मस्त में रहते हैं, और जब उसका लास्ट स्टेज जब आता है तब ही वो बहुत खतरनाक पोजिशन में आ जाते हैं, तब अपने निराश हो जाते हैं, लाइफ इज लोथिंग में चले जाते हैं उसका। तो इस तरह से हम एपीज पेशेंट जो है मस्त मौलाना ये भी रहते हैं, डांस गान हाबी जाबी उस समय पूरा मस्त मौलाना रहते हैं, किंतु कोई आदमी जब उसका बीमार पड़ जाता है तो बहुत अधिक उसके बारे में चिंता करने रहता है, अदरवाइज वो मस्त मौलाना में रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा भी उसको आनंद धारण मिल जाए तो खुशी में रहते हैं, अपने ऊपर उतना परवाह नहीं करते। इस तरह से हम एपीज पेशेंट को हमने मेडिसिन दे करके उसको ठीक किया, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, जो औरत तो बहुत दिन से सफर कर रही थी है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि हमारा रिजल्ट इतना अच्छा हो, जबकि उसका दर्द के बारे में भी कम हुआ, अब पैर उड़ जो फूल गया था वगैरह सब जो दिखा रही थी वो सब बहुत मैकुलस ट्रीटमेंट हो गया उसका। तो इस तरह से हमने एपीज मेडिसिन को हमने बेलोडोना से अलग करके हमने दिया, हमें भी लगा था बेलोडोना पहले सर में, किंतु मैंने थोड़ा सा जब समझने की कोशिश की, थोड़ा सा समझे, तो हमने एपीसी उसको दिए थे और एपीसी से बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। तो मैडम एक केस तो हो गया, अगर उसमें और कभी कुछ इंक्वायरी है तो आप बता सकते हैं। पावर ऑफ एपीस, हेलो सर, आपने किस किस पोटेंसी में दिया था? नहीं, मैंने 30 से ही देता हूँ, मैं 30 से ही देता हूँ, 201 ml मैंने ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है यदि पॉइजन एक बूंद खाने से आदमी मर सकता है तो ये भी हम लोग का मेडिसिन पॉइजन ही है, हाँ, तो हम एक बूंद देने से उसमें एक रिलीफ तो जरूर मिलेगा, बाद में भले जरूरत पड़े अभी हम समझ जाएंगे, किंतु हम जब
थोड़ा सा शुरू करेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं, कि एक ही बार बहुत अधिक स्टार्ट कर देंगे तो हम हमारा विचार से हम उस अपने ढंग से 36 से ही हम शुरू करते हैं, जब मेडिसिन परफेक्ट हो तो हमको कोई जरूरत नहीं है जो हमको उसको दिन रात में ठीक कर देना है इस तरह का पेशेंट को, किंतु खोखी हो गया, बुखार हो गया, उस समय थोड़ा सा एक्यूट केस में थोड़ा सा देखते हैं। तो इस तरह से मैंने एपीज केस को सोल्व किए और मेरा पहला पेशेंट था जिसको मैंने एपीज देकर ठीक किए। तो इसमें आपको पूछना है ना, एक छोटा सा केस मैं और बता देता हूँ। स्ट्रेकिंग का क्या सर, इसमें स्ट्रेकिंग अल्टरनेटिंग अनकॉन्शियस, स्ट्रेकिंग अल्टरनेटिंग अनकॉन्शियस कहाँ क्या सर? हाँ देखिए, एक बात आप ये देखिए, स्ट्रेकिंग अल्टरनेट विद अनकॉन्शियसनेस, इसमें दो दो पक्ष होता है। आप इसको पूरी ऑब्जर्वेशन पार्ट से आप पकड़ सकते हैं। स्ट्रेकिंग मतलब थोड़ा चिल्ला करके बोलना, मतलब थोड़ा जोर से बोलना है, डिल्यूशन जैसे होता है अपने आप को अनुभव होना। स्ट्रेकिंग में होता है मुंह से एक्सप्रेस कर देता है और उसको ऐसा लगता है उसको जे नहीं लेने से भी चलेगा, किंतु हम आए हैं तो ले लेते हैं। वो क्या बोले, हम हमको लेना नहीं था डॉक्टर, अनकॉन्शियस तो था, फिर अभी चिल्ला करके थोड़ा सा उसका ये आया है कि ठीक है ले लेते हैं। वो अपना बीमारी के लिए अनकॉन्शियस ही है, किंतु जिस ये आई है अपने लड़की को लेकर के, लड़की से अधिक अटैच है तो फैमिली मैटर से अधिक अटैच है, तो इसीलिए उसे बोले ठीक है हमको भी दे दी। तो इस अवस्था में हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट बोलता है कहते हैं लेने का मन तो नहीं था, फिर हम चल रहे थे रास्ता से तो आपका दुकान खुला हुआ मिला तो हमने ले लिया। अब देखिए आप इसमें क्या पाएंगे, ये भी स्ट्रेकिंग अल्टरनेट अनकॉन्शियस है। तो आप फिबुलस पकड़ लीजिए इसलिए तो मेलाटोनिन का कहानी आ जाता है। तो इस तरह से आप यदि दो चार बात और उसमें जोड़ कर कुछ बोल देता है तो आप थोड़ा सा फिबुलस के कैटेगोरी में ही रहेगा, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्रेशन के कैटेगोरी में ही रहेगा, किंतु अनकॉन्शियसनेस इंटरप्रेशन में जितना मेडिसिन है उस कैटेगोरी में ही रहेगा, किंतु वो पेशेंट को वही मेडिसिन को फॉलो करेगा। तो इस तरह से हम लोग को एक जैसे टू व्हील होता है, दो दो बात, उसी तरह से ये है, किंतु सब में थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस है, वो आपको केस करते करते समझिएगा। तो मैडम ये हुआ, हो गया, और कुछ पूछना है सर? जी जी सर। हैं सर, आप नेक्स्ट बता सकते हैं सर? अच्छा नेक्स्ट एक बता करके मैं जाऊंगा, थोड़ा काम है। तो मतलब एक पेशेंट, एक बच्चा का पेशेंट है, देखिए वो बच्चा का करीब 10 साल का होगा उम्र, और देखिए ये पार्ट जो है ना वो आपको बहुत अधिक ऑब्जर्व और आपका आपका नॉलेज ही उसके ऊपर में आपको डिपेंड करेगा। जो मेडिसिन का मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपका ऑब्जर्वेशन और आपका नॉलेज ही आपका उसको जाएगा। तो एक पेशेंट आया, बच्चा तो आया है, चेयर पर बैठा है, माँ भी है उसके साथ में, हम लोग क्या हो बेटा बोलो, तो ऐसे बैठा है, पैर दर्द करता है, जितना पूछते हैं उतना ही उत्तर देता है, बोला और क्या, हम बोलते हैं और क्या, नहीं पैर दर्द करता है, बोला क्या, तो क्या करते हो, बोले कुछ नहीं, बोले दर्द करते हैं तो कुछ नहीं करते हो तो फिर दवाई लेने आए क्यों इसलिए? माँ बोलते हैं बताओ बेटा तुम क्या क्या होता बताओ, थोड़ा वो लज्जा भी रही है, हम उसको जो फॉलो कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन पार्ट में लज्जा कर रही है, शर्मा रहा है, तो इस तरह से वो कर रहा है। तो हम बोले और नहीं है पैर, तो क्या करते हो, नहीं करते हैं तो पैर मालिश करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हम अपने करते हो ना, माँ को बोलते हैं, बोलते हैं अपने भी करते हैं माँ को भी बोलते करने। और हम करीब 10-15 मिनट तो उसको बैठा के रखे, वो बहुत अधिक और कुछ नहीं बोल रहा था, तो थोड़ा सा बोला जब पैर दर्द करता है, रात को दर्द करता है। हम लोग हम उसके माँ से पूछे लड़का क्या करता है, बोलता खेलता उलता है। हम लोग इसका स्वभाव विचार बताइए, ये तो बहुत कुछ नहीं बता रहा है, खाली शर्म आ रहा है और
कुछ बता नहीं। तो हमने डॉक्टर साहब उसके मामले उसके माँ को बोले कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सुबह से लेकर शाम तक कैसे करता है, उसका दिनचर्या कैसे जाता है। बोला डॉक्टर साहब क्या बोले, बहुत बदमाश है, आपके साथ आया ना आपके सामने एकदम सीधा बन करके चुपचाप है, घर में जाएंगे ना तो हालत बिगाड़ कर देते हैं। हम बोले भाई बात सही है क्या, मुंह नीचे करके और हंस रही है थोड़ा। बोले डॉक्टर साहब बहुत घर में तो परेशान करके रख देती है सबको, जो कहानी कहती है आप तो बता ही दिए मैडम, आप तो क्या बताना है इस केस में, आपको बताना है, आप तो जब आप पकड़ लिए पोछ को तो आप आगे तक चले जाएंगे, तो आप क्या बताएं इसमें। तो बात है वो इसमें देखिए बच्चा को में तो टिमिडिटी है ये है और घर में बहुत रुआब दिखाता है तो सबके ऊपर वगैरह वगैरह सब करता ही है। तो जो कहानी है हम लोग का, तो हमने उसको लाइकोपेडिया मेडिसिन 30 का डोज दिए, देने के बाद में बच्चा एक सप्ताह के बाद है, बोला डॉक्टर साहब अभी बच्चे में दर्द तो है, ऐसी बात तो नहीं है, दर्द है तो दर्द बहुत कम हो गया। हमला ठीक है आप उसको थोड़ा कंटिन्यू करिए आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। हमला कैसे लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है, पहले जो आदमी नहीं कुछ बोल रहा था अभी बोल रहा है, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया है और वो थोड़ा सा मुस्कुरा करके थोड़ा आगे बढ़ रहा है। यही केस था, बोलिए मैडम अब क्या। थैंक यू सर, अच्छा केस था, आपने पूरी कोशिश की थी हम लोग पकड़ गए इसलिए पकड़ गए। एक केस में आप टोटल देखिए आपका नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पार्ट होना चाहिए हैं, तो आप इस केस को पकड़ सकते हैं हैं। अदरवाइज ये केस पकड़ना इस तरह का केस पकड़ना जैसे होता है पलसेटिला में होते हैं बच्चे लोग आते हैं वगैरह सब होते हैं तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है केस को, किंतु इस लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होते हैं ना, एक्चुअली मैं भी देखा हूँ लाइकोपोडियम का पेशेंट को आप फर्स्ट स्टेज में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सेकेंड स्टेज में यदि जाता है उसको बेटर फीलिंग होता है तो थोड़ा सा वो समझता है कि नहीं इससे हमारा काम बनेगा तो थोड़ा सा वो कोऑपरेशन करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसमें एक बात है ज्वाइलेस लफिंग, जब उसको ज्वाइलेस लफिंग में आप कोई इस तरह का प्रश्न यदि पूछते हैं और उसको लगता है ये किस तरह का प्रश्न है, इतना छोटा प्रश्न है इस तरह का, तो थोड़ा हंसता है, मतलब उसका कहने हंसने का मतलब आपके प्रश्न के ऊपर हंसता है, कहने का मतलब ये सब बेतुकी बात है, अच्छा बात पूछना चाहिए था, ये सब बात पूछता है तो इसलिए वो हंसता है, थोड़ा अच्छा बात बोला इसलिए, क्योंकि वो खुद इंटेलिजेंट होता है, एकमात्र उसमें कमी क्या होती है उसको कॉन्फिडेंस का अभाव होता है और हेल्पलेस में रहती है, उसलिए वो दूसरे जैसे वेटरम हुआ प्लेटिनम हुआ इस तरह का जो पॉजिटिव डिग्री के जो मेडिसिन है उस तरह से वो बात नहीं करते हैं, अपना मौका देखकर काम करते हैं। तो इस तरह से हम लाइकोपोडियम को हम यूज किए थे और यूज करते भी हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और किंतु इसको यूज करने के पीछे थोड़ा सा सीरियस और उसका बैकग्राउंड को थोड़ा अच्छा कॉन्फर्म हो करके हम जब देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सर इसके रूब्रिक्स बताएं, रूब्रिक्स बता दें। देखिए इसको तो हमने जो लिए रूब्रिक उसमें हम लिख देते उसको जो बोल रहा था वो मैंने टिमिडिटी लिए थे, दूसरे नंबर में उसको लिए थे कैरी डिजेट टू बी कैरेट, वो अपने माँ को भी बोलते हैं अपने पैर दबा दो मम्मी इसलिए कैरे, और घर में वो क्या करते हैं सबको ऊपर थोड़ा सा रुआ भी जलते हैं, बोलने का तरीका ही उसका अलग है, तो माँ बोलते हैं डॉक्टर साहब मत बोलिए कि बाप रे बाप, घर में जाएंगे ना तो उसका लगता है घर का बॉस है, और बाहर में वो एकदम भिगी बिराल बनकर रहता है, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर आप पकड़ सकते हैं यहाँ में, यदि हम डॉक्टर हैं हम उसके पास में हैं तो वो अजनबी, हम उसके लिए मैं अजनबी हूँ वहाँ में, वो सोच समझ कर बहुत
बात करेंगे। तो इसलिए वो फियर ऑफ स्ट्रेंजर है, वो हमको समझ रहा है जो फियर ऑफ स्ट्रेंजर, यहाँ में हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, इसलिए वो चुपचाप है, जितना पूछते हैं उतना ही उत्तर देता है। और घर में वो डिक्टोरियल है और हार्ट फॉर इनको। और एक बात बता रही थी जो डॉक्टर साहब मत पूछिए, हमारे ऊपर तो बोलता है, अपने बहन के ऊपर भी पूरा रुआब धारता रहता है बाबा। अब बाहर में ऐसे ही, अब देखिए एक साधारण औरत है, अब उससे अधिक पूछा भी नहीं जा सकता है। तो हमने उसको लाइकोपोडियम ही 30 के डोज में दिए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हम लोग बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, दोनों में ही केस में बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन आई गेट रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको दिए, इस तरह से मैंने दो केस आपको बताए हैं। अगर और कुछ पूछना है तो बताइए सर। जी सर, इसमें एक ये रूब्रिक ये लग सकता है कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन गुड एट होम बट बैड एट स्कूल, वो इस तरह का कोई है रूब्रिक सर, वो उसमें भी लाइकोपोडियम है? नहीं, आप सही बोले, किंतु देखिए आप जो रूब्रिक बताए ना, हम आपको बताते हैं, आप जो भी रूब्रिक बताइएगा, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बा वो औरत जो बोली है, उसकी माँ जो बोली है, उसको फॉलो करके जो भी रूब्रिक बनाइएगा उसका एंगल किंतु उसी तरफ जाएगा। पर रूब्रिक यदि सही दिशा में जाएगा तो रूब्रिक बनाने का यदि सही दिशा में जाएगा तो आप बेड पर क्या बताएं वो तो, और तो इस आपको इंफीरियर टाइप का ही रूब्रिक आ जाता है। हम लोग में तो सजाया हुआ है हार्ड फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर। हम लोग यदि अपना छोटा मोटा इंग्लिश भाषा को तोड़ कर बनाएंगे तो बनेगा, किंतु मतलब यही निकलेगा। आप लगा सकते हैं वो छोटा मोटा और भी रूब्रिक्स जो है वो लगाकर आप लाइकोपोडियम तक पहुंच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है जो मैं लिया हूं उसी पर आप पहुंचेंगे, किंतु पहुंच सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सारे रूब्रिक फिर इंडिकेट वही उसका नेचर ही कर रहे हैं कि वो क्या है पर्सन, चाहे आप कोई से भी रूब्रिक ले आइए, अल्टीमेटली पहुंचा आपको एक ही जगह रहे सर। हाँ, एक ही जगह पहुंचेगा। तो इस तरह से हमने इस केस को सॉल्व किया था।